हमारा दिमाग हमारी सबसे कीमती प्रॉपर्टी है, यह हमेशा हमारे साथ है, लेकिन इसकी सबसे अमेजिंग पार्ट्स हमको तभी मिल पाएंगी जब हम इसका इस्तेमाल करना सीख लेंगे। जैसा हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी, हमारे दिमाग के दो स्तर हैं, कॉन्शियस या लॉजिकल लेवल और सबकॉन्शियस या इरेशनल लेवल। हम अपने कॉन्शियस माइंड से विचार करते हैं, हमारे विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं, जो हमारे विचारों की नेचर के अनुसार सिचुएशंस बनाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस का स्थान है, ये क्रिएटिव है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमें बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कालजयी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर रिव्यू का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देख ले। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इस बुक के चैप्टर 2 को पूरा करेंगे। साथ ही अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इस पर काम करने लगता है। जादुई सच्चाई ये है कि सबकॉन्शियस माइंड का नियम अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करते हैं। अगर इस नियम का नेगेटिव इस्तेमाल किया जाए तो ये असफलता, कुंठा और दुख पैदा करता है। दूसरी तरफ अगर हमारी सोच गुडविल और क्रिएटिव है तो हमें अच्छी हेल्थ, सक्सेस और वेल्थ मिलती है। जब हम सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो हमें मेंटल पीस और अच्छी हेल्थ हमेशा मिलती है। हम जिस भी विचार को मेंटली सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसे साकार कर देगा। हमें तो बस अपने सबकॉन्शियस माइंड का नियम अपनाना है, ये हमारी मनचाही हेल्थ, पीस और वेल्थ पैदा कर देगा। हम आदेश देते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को पूरा करने के लिए पूरे डेडिकेशन से काम करता है। हमारे दिमाग का नियम ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन हमारे कॉन्शियस माइंड में रखे गए विचारों के नेचर से तय होता है। हमें याद रखना चाहिए कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दो दिमाग नहीं है, ये तो एक ही दिमाग में होने वाली एक्टिविटीज के दो क्षेत्र हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल दिमाग है, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। एग्जाम्पल के लिए हम अपनी बुक्स, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। हम अपने सारे डिसीजन कॉन्शियस माइंड से करते हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें बिना किसी आदेश के अपना काम करती रहती हैं, जैसे दिल, पाचन, रक्त संचार और सांस लेने की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए हमें कॉन्शियस कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो भी छाप छोड़ते हैं या हम जिसमें भी सच्चा विश्वास करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमारे विचार ही वो बीज हैं। नेगेटिव या बुरे विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव रूप से काम करते हैं। देर सबेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुसार किसी नेगेटिव घटना को पैदा कर देंगे। याद रखें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये साबित करने की कोशिश कभी नहीं करता कि हमारे विचार अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत। ये तो आपके विचारों या सुझावों के नेचर के अनुसार रिएक्शन करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी झूठी चीज को भी कॉन्शियस रूप से सच मान लें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा और इसके अनुसार रिजल्ट देने लगेगा, क्योंकि आपने कॉन्शियस रूप से इसे सच मान लिया था। आपका सबकॉन्शियस माइंड भाववाचक और चयनहीन है, ये हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड सच मानता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाएं और आपकी आत्मा को खुशी से भरे। कॉन्शियस माइंड को कई बार यथार्थवादी दिमाग यानी रियलिस्टिक माइंड कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध बाहरी चीजों से होता है। रियलिस्टिक माइंड बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। ये 5 इंद्रियों, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा के द्वारा काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को अक्सर कल्पनावादी दिमाग यानी सब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। आपका सब्जेक्टिव माइंड अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपके इमोशंस का स्थान और यादों का भंडार है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी 5 इंद्रियां काम ना कर रही हों। दूसरे शब्दों में, जब कॉन्शियस माइंड शिथिल हो या उनिंदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। इसलिए प्राचीन भारत में योग को इतना महत्व दिया गया है।
जब आप अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चाहे जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी ये उसे सच मान लेगा, फिर ये जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। ये आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत कम्युनिकेशन किया है या अपने सबकॉन्शियस माइंड तक गलत विचार पहुंचाए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार क्रिएटिव और अच्छे विचार देते रहना है। बार बार दोहराने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आदत का स्थान है। क्या आप डर, चिंता और अन्य तरह की बेकार की सोच के शिकार हैं? तो इसका इलाज यही है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचान कर उसे फ्रीडम, खुशी और कंप्लीट हेल्थ के आदेश देना शुरू करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव है, ये स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को पैदा करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है उनसे आप देख सकते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड चौकीदार की तरह है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम गलत सुझावों से आपके सबकॉन्शियस माइंड की रक्षा करना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिमाग के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सुझावों के प्रति बेहद सेंसिटिव है। जैसा आप जानते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड तुलना या विरोध नहीं कर सकता, ये तर्क वितर्क नहीं कर सकता और खुद कुछ नहीं सोच सकता। ये सभी काम कॉन्शियस माइंड के हैं। सबकॉन्शियस माइंड तो बस कॉन्शियस माइंड द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर रिएक्शन करता है। ये काम की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता है। इसे तो जो दिया जाता है उसे ये ले लेता है। आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक ये पहले आपके दिमाग में ना हो। जब आप लगातार पॉजिटिव बातों से अपने दिमाग को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था, इसलिए बाकी सबकी तरह वो भी कभी कभार चीजें भूल जाती थी, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वो भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वो कोई चीज भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इस नेगेटिव आत्म सुझाव के कारण वो और ज्यादा नाम और घटनाएं भूलने लगी। वो हताश हो गई। लकीली उसे ये एहसास हो गया कि वो खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का डिसीजन किया। जब भी वो सोचने लगती थी मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, वो रुक जाती थी। यही नहीं, जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वो पॉजिटिव आत्म सुझाव की प्रैक्टिस करती थी। वो खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वो मुझे हर पल, हर जगह हमेशा याद रहेगा। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। जन्म लेने के बाद से ही हम पर नेगेटिव सुझावों की बमबारी होने लगती है। चूंकि हम ये नहीं जानते हैं कि उनका विरोध कैसे किया जाए, इसलिए सबकॉन्शियस रूप से हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने एक्सपीरियंस में बदल लेते हैं। नेगेटिव सुझावों के कुछ एग्जाम्पल हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना ही नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की बहुत सारी बातें आपने भी सुनी होगी। इस तरह के बाहरी सुझावों को एक्सेप्ट करके आप उन्हें साकार करने में सहायता करते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका दिमाग और उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्से ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल बड़े होने के बाद आप चूज कर सकते हैं। आप पॉजिटिव आत्म सुझाव का इस्तेमाल करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और पुरानी छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति अवेयर बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज देखें। हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो डर, चिंता, तनाव और भारी तबाही के बीच बो सकती है। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे।
बहरहाल जब आप ये समझ लेते हैं कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव आत्म सुझाव देकर आप में इन सभी बेकार के विचारों का विरोध करने की शक्ति आ जाती है। बाहरी सुझाव की ये प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा वो चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए। दूसरों के सुझावों में अपनी कोई ताकत नहीं होती है। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको उस विचार को एक्सेप्ट करना होता है, तब वो विचार आपका बन जाता है और आपका सबकॉन्शियस उसे साकार करने के लिए काम करता है। याद रखें कि आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने। सबकॉन्शियस माइंड बहुत समझदार है, ये सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल इसे पता नहीं होता है कि ये जानता है। ये आपके साथ बहस नहीं करता है या पलटकर जवाब नहीं देता है। ये ऐसा नहीं कहता है, आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप ना छोड़ें। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया हूँ, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नेगेटिव विचारों को अपने सबकॉन्शियस में भर रहे हैं। ये इनके अनुरूप रिएक्शन करता है। आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा पैदा कर रहे हैं। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको दरअसल ये विश्वास होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। इसका रिजल्ट होता है मानसिक और भावनात्मक संतुलन, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियाँ आती हैं। आपके सबकॉन्शियस के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन ये आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन करेगा, लेकिन ये आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। आपको ये मानना होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। टाइम काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब अंत में इन बातों पर अच्छे से ध्यान दें। नंबर एक, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। नंबर दो, आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुशी और प्यार करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार रिएक्शन करेगा। वंडरफुल पर्सनालिटी डेवलप करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। नंबर तीन, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी ये ना कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, या मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझ सकता, ये इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। नंबर चार, आप अपनी आत्मा यानी सबकॉन्शियस माइंड के कैप्टन हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने। नंबर पाँच, आपका कॉन्शियस माइंड जिसे भी सच मानता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, ईश्वर, अच्छे काम पर विश्वास करें।